हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको स्टार डेल्टा मोटर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये RYB है, ये RYB है और ये वाइंडिंग के वायर हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये वाइंडिंग के वायर हैं जो मोटर से आए हुए हैं। और ये है RYB और RYB 6 वायर जो स्टार्टर से आए हुए हैं। 3 वायर ये RYB और RYB, 3 वायर ये, 6 वायर स्टार्टर से आए हुए हैं मोटर पे के टर्मिनल प्लेट पे। तो ये इसका कनेक्शन से होता है, मैं आपको बताता हूँ। टर्मिनल प्लेट पे देखिए दोस्तों, ये टर्मिनल प्लेट है, इसके टर्मिनल है, 6 टर्मिनल होते हैं टर्मिनल प्लेट पे। ये 6 टर्मिनल है और ये RYB 3 वायर है जो स्टार्टर से आए हुए हैं, और ये RYB 3 वायर और हैं जो स्टार्टर से आए हुए हैं। स्टार्टर से 6 वायर आते हैं, RYB और RYB, ये 6 वायर स्टार्टर से आए हुए वायर हैं। स्टार्टर से ये आए हुए ये 6 वायर हैं भाई, RYB और RYB। अब इनका कनेक्शन कैसा होता है, वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा होता है ये बताऊंगा मैं। ये वाइंडिंग है, मोटर की वाइंडिंग है, ये इस तरीके से मोटर की वाइंडिंग होती है और उनके जो पॉइंट है वो टर्मिनल प्लेट पर इस तरीके से टाइट होते हैं। इस तरीके से उनकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो दिखाएगी। ये वायर मान लो ये 6 टर्मिनल है, ये वाइंडिंग इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है कनेक्ट, लेकिन ऐसी होती नहीं है, ऐसी होती है मोटर में इस तरीके से होती है। इन दोनों के बीच कंटिन्यूटी चेक करोगे तो दिखाएगा। इस तरीके से ये वाइंडिंग के वायर टर्मिनल प्लेट पर कनेक्ट होते हैं। ये है स्टार कॉन्टैक्टर, ये ऊपर वाले RYB हैं, इनमें ये कनेक्ट होते हैं, RY और ये B। जब मोटर स्टार में चालू होती है तो ये शॉर्ट हो जाते हैं तीनों वायर, और मोटर स्टार में चालू रहती है। और डेल्टा कॉन्टैक्टर से भी ये ऊपर वाले में 3 RYB कनेक्ट रहते हैं। जब स्टार कॉन्टैक्टर अनहोल्ड होता है और डेल्टा होल्ड होता है तो ऊपर से भी RYB तीनों फेस आने लगते हैं और नीचे से भी, और मोटर डेल्टा में चालू रहती है। देखिए दोस्तों, ये टाइमर है और ये स्टार, डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर है। ये मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा, स्टार और ये टाइमर है। टाइमर से 2 वायर निकलते हैं होल्ड के लिए, एक 7 नंबर जो स्टार कॉन्टैक्टर के A1 में जाता है, जहाँ पे फेस न्यूट्रल दिए जाते हैं कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए। और दूसरा है, ये है 7 नंबर जो स्टार में जाता है। दूसरा है ये, देखिए ये 9 नंबर है, 9 नंबर जाता है डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 में होल्ड करने के लिए, डेल्टा में जाता है। जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं, जैसे स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो टाइमर से 7 नंबर से निकल के, टाइमर के 7 नंबर से निकल के स्टार कॉन्टैक्टर में जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है और मोटर स्टार में चालू हो जाती है। कुछ समय बाद जब टाइमर, इसमें टाइमिंग सेट रहती है, कुछ समय बाद जब टाइमर 9 नंबर से सप्लाई निकालेगा, 7 नंबर से ऑफ हो जाएगा, 9 नंबर से निकालेगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाएगी 9 नंबर से, और डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और मोटर डेल्टा में चालू हो जाएगी। मोटर किस तरीके से चालू होती है मैं चालू करके दिखाता हूँ। अभी MCCV ऑफ है, इसको ऑन कर दिया मैंने, इसको अभी ऑफ कर देता हूँ, अंदर से ऑन करता हूँ क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा किस तरीके से होल्ड होता है मेन स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर। अभी हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे और मोटर स्टार में चालू हो जाएगी। देखिए
स्टार्ट बटन को दबाया और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया और मोटर स्टार में चालू हो गई है। कुछ समय बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। देखिए यह डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है और स्टार कॉन्टैक्टर डिस्कनेक्ट हो गया है और मोटर डेल्टा में चालू हो गई है। देखिए यह टाइमर चालू है और मोटर अभी डेल्टा में चल रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।